अखिलेश यादव इन पार्लियामेंट टू सपोर्ट सर्विस। इतना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलने देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप एक नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नानियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए? सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मणिपुर में जिस तरीके से विवाद वीडियो हम लोगों ने देखा है उसको लेकर संसद में मांग हो रही है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री न आ रहे हैं न इस पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा, ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं तीसरा टर्म भी उन्हीं का।